को लिए चलते हैं जयपुर राजभवन, जहां पर एट होम कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है। तो राज्यपाल कलराज मिश्र और सीएम अशोक गहलोत एट होम कार्यक्रम के दौरान मौजूद हैं। राजभवन में एट होम कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, ये लाइव तस्वीरें आपको जयपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर मेहमानों के आने का सिलसिला भी जारी है। लगातार तस्वीरें आपको जयपुर से दिखा रहे हैं राजभवन में एट होम कार्यक्रम के दौरान की, ये लाइव तस्वीरें। राजभवन में एट होम कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, सीएम अशोक गहलोत और राज्यपाल कलराज मिश्र इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। और लगातार आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि लोगों के आने का सिलसिला जारी है। तो आपको बता दें कि राज्यपाल कलराज मिश्र इस कार्यक्रम में मौजूद हैं और सीएम अशोक गहलोत भी इस कार्यक्रम में शामिल हैं और कई वरिष्ठ अधिकारी, गणमान्य लोग भी इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। लगातार मेहमानों के आने का भी सिलसिला जारी है, तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद के सदस्य, तमाम जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी, साथ ही साथ कई अन्य गणमान्य लोग भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो वहीं कोविड प्रोटोकॉल का भी पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। राजभवन में एट होम कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राज्यपाल कलराज मिश्र और सीएम अशोक गहलोत मौजूद हैं। बैंड बाजों की धुन के साथ
इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। अन्य गणमान्य लोग भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। 15 अगस्त के मौके पर राजभवन में एट होम कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मंत्रिपरिषद के कई अधिकारी और गणमान्य लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। ये तस्वीरें लगातार आपको जयपुर से हम दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें जयपुर से। स्पीकर सीपी जोशी भी कार्यक्रम में मौजूद हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं राज्यपाल कलराज मिश्र हैं, उनके बगल में सीपी जोशी भी बैठे हैं। वहीं राज्यपाल कलराज मिश्र हाथ जोड़ के लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है, लोग आ रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत, राज्यपाल कलराज मिश्र, सीपी जोशी उनसे मिल रहे हैं हाथ जोड़ के। राज्यपाल कलराज मिश्र लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। आपको बता दें कि कोरोना महामारी की वजह से करीब 2 सालों से एट होम कार्यक्रम बंद हुआ था, और लेकिन इस बार एट होम कार्यक्रम की तैयारियां काफ़ी दिनों पहले से ही शुरू हो गई थी। एट होम कार्यक्रम में सीएम अशोक गहलोत मौजूद हैं, मंत्रिमंडल के कई सदस्य भी इस कार्यक्रम के दौरान मौजूद हैं। सीएम अशोक गहलोत से मिल रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं उनका, और राज्यपाल कलराज मिश्र भी मौजूद हैं। कोरोना की वजह से 2 साल तक एट होम कार्यक्रम नहीं हुआ था, लेकिन इस बार एट होम कार्यक्रम की तैयारियां काफी दिनों पहले से ही शुरू कर दी गई थी। और इस बार कोरोना पर काबू पाने के बाद एट होम कार्यक्रम 2 साल बाद राजभवन में आयोजित हो रहा है। राज्यपाल कलराज मिश्र, सीएम अशोक गहलोत, स्पीकर सीपी जोशी समेत तमाम लोग मौजूद हैं, कई अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद हैं।